भाई साहब दूसरी बार में बच्चा दिया है इसने। दूसरे बार में ब्याही हुई है। हाँ जी हाँ जी। कब की ब्याही है जी? अभी बच्चा दिए लगभग 5 दिन हुए। 5 दिन हो गए बच्चा दिए हुए। हाँ जी। और कटड़ी है ना जी? हाँ जी हाँ जी। और भाई कितने की दूध क्षमता वाली है जी? दूध अभी निकालने वाला 12-13 लीटर है। 12-13 लीटर दोनों समय का नेट रहे। दूसरी बार बच्चा दिया। हाँ जी। और मेल काफ है, कटड़ा। कटड़ा है जी, मेल काफ। दूसरे बार में ब्याही हुई है। बच्चा दिए को 8-10 दिन हो गई। 8-10 दिन निकाल। दूध बढ़िया बन गया होगा भाई अभी? बिल्कुल बिल्कुल। निकालने वाला दूध 15-16 लीटर है। 15-16 लीटर अभी है निकाल। बिल्कुल जी। और ये भाई दूध कितने पर जा सकती है? भाई साहब 17-18 लीटर आराम से। 18 लीटर पर आराम से नॉर्मल चली जाएगी। 18 लीटर। हाँ जी। और ब्यांत कौन सा बता रहे थे? दूसरा साहब, दूसरी बार बच्चा दिया है। दूसरे बार में ब्याही है। कब की? बच्चा दिए 6 दिन हो गया है। 6 दिन की ब्याही। और बच्चा क्या जी? इसका मेल है। मेल काफ, कटड़ा है। हाँ जी। भाई दूध कितने की वाली है? दूध भाई साहब रेयर में निकालेगी 13-14 लीटर। 13-14। हाँ जी। दिखने परखने में जो इसकी ब्यूटी की अगर बात की जाए ना भाई। हाँ जी। तो बहुत खूबसूरत है ये ना? आगे कंपटीशन वाले बच्चे हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूँ जी आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जी। और आज की वीडियो के लिए फिर से जो अपनी विजिट है जी वो प्रेमी डेयरी फार्म की है जी। गगन भाई के घर पर आज फिर से पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले अगर प्रॉपर एड्रेस की बात की जाए जी, गांव है जी राजपुरा माजरा, साथ ही में कस्बा रह जाता है जी अबूब शहर, जो पंजाब हरियाणा और राजस्थान के ये बॉर्डर का एरिया जी जहां से ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जी। हरियाणा में पड़ता है जी, तहसील रह जाती है मंडी डब वाली और डिस्ट्रिक्ट सिरसा। पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर साथ में रह गया जी। सभी तरह की क्वालिटी की गाय और भैंसे भाई के पास सेल के लिए अवेलेबल रहती हैं। काफ़ी वीडियोस इससे पहले आप लोगों ने अपने चैनल पर भाई साहब के यहाँ से देखी हैं। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं जी, इसमें स्पेशल तौर पर भैंसें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। आंध्र प्रदेश से भाई आए हुए हैं जिन्होंने 8-9 भैंसें यहाँ से खरीदी हैं। कुछ भैंसें गगन जी के पास सेल के लिए अवेलेबल रहेंगी। ओवरव्यू देखते जाइए, आगे की जो डिटेल बातचीत है वो गगन जी के साथ करते हैं और आप लोगों के साथ डिटेल इन भैंसों की और कस्टमर भाइयों का कैसा जो एक्सपीरियंस रहा है वो आगे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सत श्री अकाल जी गगन जी। सत श्री अकाल जी। राम राम। राम राम जी। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया, मौज है जी। मौज ही चाहिए। और काम काज, घर परिवार कैसा है जी? बस कृपा परमात्मा की, काम काज चल रहा है बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है जी। तो गगन जी सबसे पहले हर बार की तरह एक बार एड्रेस अपने भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए। एड्रेस विलेज राजपुरा माजरा, नियर मंडी डबवाली, तहसील तालुका लगती है और हरियाणा का बिल्कुल लास्ट पे पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर है जी। सही है जी। कॉन्टैक्ट नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर 9466028782। सही है जी। तो गगन भाई जैसे पहले भी मैं बात कर रहा था कि काफी समय से वीडियोस आपके घर से आ रही हैं, है ना जी? तो शुरू से ही क्या है कि जब से वीडियो आने की शुरुआत हुई तो अपने भाइयों की तरफ से बहुत प्यार आपकी वीडियोस को मिलता है। बिल्कुल। क्योंकि आपके पहले बात पर आपके पशु बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल। दूसरे नंबर पर आपके दाम बहुत वाजिब रहते हैं। बिल्कुल। सही है जी। तो आज जो वीडियो बना रहे हैं वो थोड़ा सा ये बोल सकता हूँ कि गैप उसमें ज्यादा पड़ गया जी। उसका क्या रीजन रह गया? रीजन ये है जी, अब थोड़ा सा एक तो सीजन ऑफ था। हाँ जी। ठीक है, इसमें ब्यांत कम की वजह से पशु बहुत कम मिलता है जी। अच्छा जी। कम मिलने की वजह से एक जो कस्टमर आता है वो एक दो चार लिया और निकला, क्यों रात को आ गया, दिन में आ गया, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है कि धंधा बंद है। हाँ जी। काम तीसरी पीढ़ी है अभी, दादाजी ये इधर बैठे हैं, सही है, पापा जी उधर खाना खा रहे हैं और मैं आपके सामने हूँ। हाँ जी। अब तीसरी पीढ़ी है, लगातार चल रहा है और परमात्मा की कृपा से ऐसा ईमानदारी का काम है, चलते रह गए। चलो बढ़िया बात है जी। हाँ जी। तो गगन जी आज जो अपने भाई आए हुए हैं, भाई ये कहाँ से आए हैं और कितने इन्होंने पशु खरीदे हैं जी टोटल? ये तेलंगाना से आए हुए हैं जी। तेलंगाना से? हाँ जी। मैं पहले आंध्र प्रदेश मैंने बोल दिया। बिल्कुल, वो अभी अलग हुआ है ना, इसी अच्छा, वजह से सही आपने है बोल दिया। तो है। पहली बार आए हैं जो पहले भी आते? नहीं, पहली बार आए। बिल्कुल पहली बार। बिल्कुल। चलो बढ़िया बात है। कितने के दिन से अपने पास हैं? अपने पास 2 दिन से। 2 दिन से। और टोटल कितने पशु खरीदे जी? 10 पशु खरीदे। 10 भैंसे? हाँ जी। 2 ही दिन में सारी खरीदारी होगी? हाँ, 2 इन्होंने पहले कहीं से ली थी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उनके साथ सेटिंग नहीं हुई इनकी, तो फिर जो मेरे साथ पास चले आए, क्योंकि इनका पहले रिश्तेदार था वो इधर अम्बाला में एयर इंडिया में है, भाई साहब मधुसूदन, तो उनके ये बगल में बैठते हैं 100 किलोमीटर पर, रिश्तेदार था। हाँ, तो उन्होंने बात करवा दी तो ये इधर मेरे पास आ गए। 2 भैंसे ये वहाँ से लेके आए हैं, बाकी सब जो 7-8 भैंस वो अपने से। बढ़िया बात है जी। हाँ जी। तो अब एक ओवरव्यू भाई आज वाली भैंसों के बारे में, कैसा दूध और कैसा दाम?
आज जो अपने पास सेल के लिए ले रहेगी ना उसका लगभग 75 या 77 लगा लो, 75-77 हजार से स्टार्टिंग, कम से कम हाँ जी। और ज्यादा से ज्यादा 130,000 तक। ओके ठीक है, जो जाने वाली भैंस है उसमें सर इनका जो बराबरी का निकाले तो लगभग 1,20,25 रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने 1,10,000 की भी भैंस ली है और लगभग 1,35 की 1,36 की भी ली है। सही है, वो आप आगे देख लोगे वीडियो। दूध मिनिमम और मैक्सिमम ओवरऑल कितना करेगा? मैक्सिमम लगभग 10 के प्लस में 12-13, शुरुआती में 12-13 और लगभग 20 लीटर तक की है जी। सही है जी, बोलने वाला नहीं 20 लीटर निकालने वाला। उसमें ना ये बात बोलना चाहूंगा अपनी तरफ से, जैसे मैं इधर पहुंचा आपके दादाजी अंकल जी के साथ मेरी बातचीत हो रही थी कि भैंसें जो है ना सिर्फ बोलने वाली बात नहीं कि दाम इतने वाली हैं, भैंसों को देखकर भी मालूम चलता है कि अच्छी क्वालिटी वाली भैंसें हैं, कंपटीशन वाले पशु हैं सभी के सभी। सही है, वो जैसे आगे भाइयों को दिखाएंगे चला के तो पता भी चलेगा। सही है, तो थोड़ा माइक दे दीजिए अपने भाई साहब को, इनका एक्सपीरियंस जान लेते हैं जी। हाथ में पकड़ लीजिए भाई। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या शुभ नाम है सर अपना? मेरा नाम रामदास मिश्री। और एड्रेस प्रॉपर? एड्रेस तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट आदिलाबाद मंडल इचोड़ा और मेरा गांव है गांधीनगर। ओके, पहली बार इधर आए? हाँ पहली बार आए। दो दिन हो गए गगन जी के पास? हाँ दो दिन हो गए। सही है जी। हाँ, और बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पर जो बात आ जाती है रहने बहने की व्यवस्था, खाना पीना वो कैसा रहा? रहना पीना खाना पीना बहुत सुंदर है, रहना भी बढ़िया रहा? बढ़िया है, अच्छी बात है जी। और जो बातचीत करने का तरीका, जो आप गांव में घूमकर आप लोगों ने पशु खरीदे तो वो व्यवहार कैसा रहा भाई का? वो भी अच्छा है व्यवहार। अच्छा वो भी अच्छा, वो है? भी अच्छा, हमारे हमारे खुद के घर पर रहे जैसा है यहाँ पर। हाँ जी। हाँ अच्छा, खुद के घर से भी अच्छा? हाँ, है खुद के घर से अच्छा है। चलो बढ़िया बात है। हाँ। जी, और दूसरे नंबर पर बात आ गई जो अंत में सबसे खास बात आ गई पशुओं के दाम के बारे में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर आप? दाम तो पशु के ठीक ही है। अच्छा जी, अभी ये पीरियड थोड़ा टाइट चल रहा है ना? हाँ जी। किसी पशु का 5,000 या 10,000 टाइट लगेगा, धूप काल का पीरियड है ना। लेकिन उसमें एक बात ये भी आ गई, चलो भले ही आपने 10 भैंसे खरीदी, लाख रुपए ज्यादा लग गया। हाँ। लेकिन भैंसे अगर अच्छी क्वालिटी की जा रही है तो जब घर पर जाकर दूध वो बढ़िया देंगी तो मेरे हिसाब से वो 1,00,000 रुपए दुखेगा भी नहीं। नहीं होगा ना। सही है ना जी? सही है, अच्छी बात है। तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस अपनी तेलुगु में अगर अपने भाइयों के साथ शेयर कर दो तो ज्यादा बढ़िया बात हो जाएगी। अंदर की नमस्कार, ना डिस्ट्रिक्ट आदिलाबाद तेलंगाना నుంచి మాట్లాడుతున్నాను, ఇచ్చోడా మండలం, రాజపురమాయి, ఇక్కడ నేను 10 బర్రెలు కొన్నాను, 1,10,000 నుంచి 1,30,000 వరకు ఒక్కొక్క బర్రె రేట్ ఉంది, ఒక్కొక్క బర్రె 12-19 లీటర్ వరకు బర్రె నేను కొన్నాను। मेरे को समझ नहीं आती क्योंकि तेलुगु वाले ज्यादा भाई आते नहीं। हाँ। सही है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, वो आपने सच्चा सुच्चा एक्सपीरियंस अपने भाइयों को बताया। सही है जी, बिल्कुल। हाँ। ज्यादा भाषा की प्रॉब्लम है जो। हाँ तमिल का या आंध्रा का लगा लो, इधर ज्यादा तमिल या मराठी चलती है इनकी। हाँ। इधर जो भी आदमी आ रहा उनको खाली भाषा की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हमको मराठी भी आती है। अच्छा मराठी भी आती है, तो थोड़ा फिर मराठी में बता दीजिए। महाराष्ट्र के तो काफी भाई अपने साथ जुड़े हैं। राम राम सगळ्या पाहुणे मंडळीला। तेलंगणा आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट इचोडा मंडल मधून आला मी। आयता राजपुरा गाव हे हरियाणा मध्ये प्रेमी डेअरी फार्म। इथे 1,10,000 पासून ते 1,30,000 पर्यंत म्हशा भेटतात, पहिल्या दुभत्याच्या आणि दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दुभत्याच्या। एक एक म्हैस 12 लिटर पासून 14 लिटर पर्यंतची 1,10,000 पर्यंत, आणि 1,30,000 किमतीची म्हैस घेतला इकडे सॅटला आहे ते 19 लिटर ते 20 लिटर दूध देऊ शकते। हाँ तो मशाल क्वालिटीचा मशा भेटू शकते। हाँ बिल्कुल। ओके, इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमने भैंस ली है वो 1,10,000 से शुरू होकर 1,30,000 तक है और 12-13 लीटर से शुरू है और लगभग 18-19 लीटर तक है, ये कहने का मतलब है। ओके जी, धन्यवाद भाइयों, अच्छा लगा बातचीत करके। गगन जी एक एक करके भैंसे चलाते हैं और साथ में बात। हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफी होगी जी, अब इससे आगे एक एक करके भैंसे आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे। और पहले नंबर पर ये मुरा ब्रीड की बहुत शानदार भैंस आप लोगों के सामने आ गई है जी, ब्याई हुई है बिल्कुल ताजी, बच्चा कटड़ी आप लोगों के सामने, फेस क्वालिटी और सींग शिंगार एक बार भैंस का देख लीजिए। गगन भाई क्या डिटेल है जी? भाई साहब दूसरी बार में बच्चा दिया है इसने, दूसरे बार में ब्याई हुई है। हाँ जी हाँ जी। कब की ब्याई है जी? अभी बच्चा दिए लगभग 5 दिन हुए। 5 दिन हो गए बच्चा दिए हुए। हाँ जी। और कटड़ी है ना जी? हाँ जी हाँ जी।
और भाई कितने की दूध क्षमता वाली है जी? दूध अभी निकालने वाला 12-13 लीटर है। 12-13 लीटर दोनों समय का नेट रेडी है। हाँ जी, हाँ जी। और ये सेल हो चुकी है? बिल्कुल, ये तेलंगाना की जारी है। इन भाइयों ने खरीदी है। बाकी क्वालिटी ब्रीड की अगर बात की जाए तो बहुत खूबसूरत है ना जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे आप बात कर रहे थे ना कि शो क्वालिटी वाली भैंसे हैं, वैसी दिखनी परखनी की है। बाकी अंडर फिटिंग वाला है। और गगन भाई अंत में जो बात आ गई दाम के बारे में, भाई कितने के दाम में दी गई है ये? सब 1,35,000 की दी है। 1,35 की? हाँ जी। ये तो सेल होकर जा रही है। बिल्कुल जी। कोई और भाई ऐसी डिमांड करे तो मिल जाएगी? आगे दिखाता हूँ आपको, इससे बढ़कर नहीं। अच्छा, सेल के लिए भी हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलो बढ़िया बात है, ले आइए भाई, बांधिए। इससे आगे दूसरी भैंस ले आइए जी। इससे आगे दूसरे नंबर पर दोस्तों भैंस एक और आ गई जी आप लोगों के सामने, ताजी ये ब्याई हुई है। बच्चा इसका है कटड़ा, कद काठ में ये भैंस भी काफी शानदार, काफी बेहतर है। गगन भाई क्या डिटेल है जी, बताते जाइए जी। भाई साहब दूसरी बार बच्चा दिया। हाँ जी। और मेल काफ है, कटड़ा। कटड़ा है जी, मेल काफ। हाँ, दूसरे बार में ब्याई हुई है। बच्चा दिए को 8-10 दिन हो गई। 8-10 दिन निकाल, दूध बढ़िया बन गया होगा भाई अभी? बिल्कुल बिल्कुल, निकालने वाला दूध 15-16 लीटर है। 15-16 लीटर अभी है निकाल? बिल्कुल जी। और ये भाई दूध कितने पर जा सकती है? भाई साहब 17-18 लीटर आराम से, 18 लीटर पर आराम से नॉर्मल चली जाएगी। 18 लीटर? हाँ जी। और ब्यांत कौन सा बता रहे थे? दूसरा भाई साहब, दूसरे में। हाँ जी, भैंस ये भी अच्छी दूध वाली है। बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके भैंस का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, भैंस के ब्रीड करेक्टर है, वो बताते हैं कि दूध के लिए बढ़िया है। बिल्कुल, मुट्ठी वाला आंचल है, साइज गैप, अंडर की शेप काफी अच्छी है। बिल्कुल जी। कितने दाम में दी गई है भाई? ये भी 1,35,000 में। ये भी 1,35,000? ये हाईएस्ट दाम वाली भैंसे हैं दोनों की, दोनों है ना जी? बिल्कुल। और पशु मंडी से आई भाई या घर से खरीदी? वैसे गांव से खरीदी हुई है। अच्छा, ये घरों से आई हुई? चलो बढ़िया बात है, ले आइए भाई, बांधिए जी। इसे आगे तीसरे नंबर पर भैंस एक और ले आइए। तीसरे नंबर पर दोस्तों भैंस एक और आ गई जी आप लोगों के सामने, ब्याई हुई ये है और बच्चा है कटड़ी है मेरे हिसाब से। कद काठ और बॉडी स्ट्रक्चर भैंस का देख लीजिए, डी हॉर्निंग की हुई है इस भैंस की, कहने का मतलब सींग नहीं है इस भैंस के। बिल्कुल, काफी भाइयों की डिमांड रहती है ऐसी भैंसों की। गगन जी क्या डिटेल है भाई? भाई साहब दूसरी बार बच्चा दिया है। दूसरे बार में? हाँ जी। कब की ब्याई है भाई? ब्याई आज 15 दिन हो गए। 15 दिन की ब्याई और बच्चा कटड़ी? बिल्कुल जी, एक से बढ़कर एक है। कितने की दूध क्षमता वाली है भाई? भाई साहब 17 लीटर दूध तैयार है। 17 लीटर निकालने? हाँ जी। गगन भाई एक बात आपसे जानूंगा कि ऐसी ना जो डी हॉर्निंग वाली भैंस है जिनके सींग नहीं होते, बिल्कुल काफी कम देखने को मिलते, रेयर में बहुत कम मिलती है। कुछ भाइयों का मानना ये है, मेरे को सुनने में आता है कि जिस भैंस की डी हॉर्निंग कर दी जाती है वो दूध थोड़ा ज्यादा देती है दूसरी भैंसों के मुकाबले, ये असल बात है या सिर्फ सुनी सुनाई बात वाली रहती है जी? नहीं सर, इसका थोड़ा बहुत है तो कहीं बॉडी स्ट्रक्चर पे प्रभाव तो बहुत पड़ता है। एक तो पशु को हम लगा लो, हम खाने पीने में थोड़ा नॉर्मल खाते हैं, थोड़ा बढ़िया खाते हैं, उस हिसाब से काम कार का भी रहता है। अभी काम ज़्यादा बढ़िया कर दिया, अगर खाने में सूखा रहता है तो उस हिसाब से इसका अगर सींग दबा हुआ है तो वो सींग की तरफ बिल्कुल नहीं गया, जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो हैवी होता गया। सही है जी। और भाई कितने दूध पर चली जाएगी ये? भाई साहब 18 लीटर दूध बहुत है जी, 17-18 लीटर अब जो निकल रहा है यही वहाँ पर जाके टिक जाए तो बहुत बढ़िया रहेगी। और दाम भाई कितने? दाम भाई 1,20,000 की, 1,20,000 की दी गई। ले आइए भाई, बांधिए। इससे आगे चौथी भैंस ले आइए। इससे आगे दोस्तों चौथे नंबर पर एक और ये शो क्वालिटी वाली जोटी आप लोगों के सामने आ गई जी। पहले पिठपुड़ा देख लीजिए और दूसरे नंबर पर फेस क्वालिटी और बॉडी स्ट्रक्चर, सींग शिंगार देख लीजिए कितनी खूबसूरत है। गगन जी क्या डिटेल है भाई? भाई साहब दूसरी बार बच्चा दिया है। दूसरे बार में ब्याई है? कब की? बच्चा दिए 6 दिन हो गया है। 6 दिन की ब्याई और बच्चा क्या जी? इसका मेल है। मेल काफ कटड़ा है। हाँ जी भाई, दूध कितने की वाली है? दूध भाई साहब रेयर में निकालेगी 13-14 लीटर। 13-14? हाँ जी। दिखने परखने में जो इसकी ब्यूटी की अगर बात की जाए ना भाई, हाँ जी, तो बहुत खूबसूरत है। ये आगे कंपटीशन वाले बच्चे हैं उधर के लिए, क्योंकि हमारे से ये जो साउथ का है ना एरिया, हाँ जी, ये लगभग 50 साल ही पीछे है जी। हाँ। इन्होंने आगे आगे नई जनरेशन के लिए ये जो एनिमल है टॉप ब्रीड के इन्होंने लिए हैं जी। सही है जी। और भाई कितने दाम वाली है ये? भाई साहब 1,15,000 की दी। 1,15,000 की और बिल्कुल जेड ब्लैक है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना जी। 1,15,000 की दी गई है और दूध 13-14 आपने बोला है ना? हाँ नॉर्मल नहीं, अभी 10 लीटर निकालने वाला है, 12-12.5 लीटर लगा लो। ओके, कोई 2 लीटर कम ही बताया जी उन्होंने। सही है जी, ले आइए भाई, बांध दीजिए। इससे आगे पांचवें नंबर पर जी एक और भैंस ले आइए। इससे आगे दोस्तों छठे नंबर पर जी भैंस एक और आ गई जी आप लोगों के सामने, ब्याई हुई भैंस ये है। कद काठ अगर की बात की जाए तो है मीडियम, लेकिन वजन में बहुत जानदार भैंस है, भारी भरकम वजन वाली भैंस है। गगन जी क्या डिटेल है भाई? भाई साहब चौथी बार बच्चा दिया है।
चौथे बार में। हाँ जी सही बात है। कब की ब्याई है जी? आज चौथा ही दिन है इसको। चौथा ही दिन है ब्याई को। हाँ जी। और बच्चा क्या जी? मेल काफी फीमेल है, सॉरी फीमेल कटड़ी है जी। और ये बता देना चाहता हूँ, ये भैंस नहलाने दुलाने वाली है दोस्तों, अभी यहाँ पर पहुंची है मेरे आए के बाद में। बिल्कुल जी, दूध भी निकला हुआ है इसका। अच्छा, कितने के दूध तक जाएगी भाई? दूध भाई साहब तीसरे ब्यांत में इसने रेयर में 19 लीटर दूध दिया है, अपने साथ के गांव की है जी। अच्छा जी। हाँ जी, फुल बातचीत करके इन्होंने दो दिन में इसके इस पे जाते रहे हम, दो दिन हो गए हमारे को। अच्छा, सीधे शब्दों में बात करें कि 20 को टच करने वाली भैंस है इसमें। आराम से, आराम से। बॉडी स्ट्रक्चर बहुत हैवी, जैसे बाहुबली वाले सीन में आते ना नकली आती। हाँ जी, हाँ जी, वैसा बॉडी स्ट्रक्चर है। और कितने दाम वाली है भाई ये? भाई साहब जी 1,32,000 की दी है। 1,32 की, सही है जी। ओके जी, ले आइए भाई, बांधिए। कॉन्टेक्ट नंबर दोस्तों भाई का स्क्रीन के ऊपर आ रहा है जी, 9466028782। जो भाई बातचीत करना चाहता है हर समय पशु सेल के लिए रहते हैं, इसे आगे एक और भैंस। छठे नंबर पर दोस्तों एक और भैंस, प्रेग्नेंट भैंस आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। और बता देना चाहता हूँ ये भैंस सेल के लिए अवेलेबल है। गगन जी डिटेल बताते जाइए भाई। भाई साहब अपनी घर की भैंस है। अच्छा जी, तीसरी बार बच्चा देगी। तीसरे बार में? बिल्कुल जी। कितना का समय पड़ा है भाई अभी? अभी भाई साहब इसके 5 दिन पड़े हैं। 5 दिन पड़े हैं। और दूध कितने का वाली है भाई? दूध भाई साहब नॉर्मल दूध निकला है इतना, इसका 15, 15.5, 16 लीटर के करीब। अच्छा, निकालने वाला जी। हाँ जी, हाँ जी। और इस बार इतना ही देगी 15 प्लस? अभी 18 लीटर दूध निकाल के दे देंगे कोई भी आदमी अगर मेरे से सौदा करके। हाँ जी। अगर इसका 15-20 दिन बाद निकाल के लेना चाहता है तो निकाल के दे दूंगा 17-18 लीटर दूध नॉर्मल। और भाई कितने के दूध, सॉरी दाम कितना का रखा गया जी? दाम इसका 1,30,000 रुपए जी, 1,25,000। 1,25 की कहने का मतलब देनी है? बिल्कुल जी। बाकी दोस्तों भाई की घर की भैंस बोल रहे हैं, जिस भी भाई ने खरीदनी है तसल्ली करके खरीदिए, मोल तोल जरूर कीजिए, जो सबसे जरूरी बात सभी भाइयों से बोलता हूँ। ले आइए भाई, बांध दीजिए। इससे आगे एक और भैंस ले आइए जी, सातवें नंबर। इससे आगे दोस्तों सातवीं भैंस आप लोगों के सामने आ चुकी है जी, सेल के लिए अवेलेबल ये भैंस भी है। क्वालिटी देखते जाइए, झोटी बोलूंगा। गगन भाई पहली बात यही पूछूंगा, ब्याने वाली है अभी? नहीं नहीं, बिल्कुल ब्याई हुई। ब्याई हुई है? कब की ब्याई है जी? ब्याई को आज 12-13 दिन हो गए। 12-13 दिन की ब्याई? 15 दिन ही हो गए सर। अच्छा 15। बच्चा क्या जी? फीमेल काफ है। फीमेल काफ। बच्चे का कोई ज्यादा ऐसे प्यार मेरे को लग नहीं रहा, जैसे आराम से बाहर घूम रही है ना। बागड़ की है जी, बागड़ समाज की रहती है, थोड़ा चाटे बाटे का रहता है, खाने का शौक है। अच्छा जी। और आगे दाना डालो और पीछे से दूध निकालो। और दूसरी बात भाई, अडर की शेप। बिल्कुल जी, कहने ही क्या है ना जी। हाँ जी, जो शो क्वालिटी वाली आप बात पहले बोल रहे थे ना जी, बिल्कुल वैसा सिस्टम है। हाँ जी। और गगन भाई कितने दूध पर जाएगी अभी निकालने वाला दूध इसका? पीक लेवल पे पहले अभी 10 दिन की ब्याई के नीचे 13-13.5 लीटर था, लेकिन अच्छा मेरे घर पे आगे कुछ खाया नहीं 2 दिन इसने। हाँ जी। अब थोड़ा थोड़ा खाने लगी, अब दोबारा 13 लीटर पे गई है जी। अच्छा, बिल्कुल चली जाएगी 15 पर? 15 लीटर पे नॉर्मल चली जाएगी आराम से। और दाम? दाम इसका 1,35,000 रुपए। 1,35? बिल्कुल जी। सही है जी, ले आइए भाई, बांधिए। इससे आगे एक और ले आइए जी भैंस। इससे आगे दोस्तों एक और भैंस, ये आठवें नंबर पर भैंस आप लोगों के सामने आ गई जी, सेल के लिए अवेलेबल है ये भैंस भी। ताजी ब्याई हुई है। गगन जी क्या डिटेल है भाई? भाई साहब दूसरी बार बच्चा दिया इसने। दूसरे बार में? कल सुबह। कल सुबह की ब्याई है। बच्चा क्या जी? मेल है सर। मेल काफ कटड़ा है। हाँ जी। और सेल के लिए अवेलेबल? बिल्कुल जी। कितने की दूध क्षमता वाली रहेगी भाई? दूध जी नॉर्मल दे देगी 15-16 लीटर। 15-16 लीटर दोनों समय? हाँ जी। और दाम क्या कर रहे हो जी? 1,25,000 है जी इसका। 1,25? हाँ जी, सेल के लिए भाई। लाख से नीचे की तो आप बात ही नहीं कर रहे जी। अभी दिखा देंगे, 1-2 है हमारे पास। अच्छा, कम दाम वाली भी? हाँ, है। थोड़ी सुंदरता में कमी है, लेकिन देखने वाले यही चाहते हैं थोड़ा सुंदर और सुशील पशु हो। अच्छा, क्योंकि हर आदमी का यही चाहता है कि 1 और 2 ही रखते हैं घर के लिए। चाहत भी मैं मान गया, लेकिन सभी भाइयों का बजट भी फिर लाख वाला नहीं। बजट अभी ब्यांत सर, ब्यांत कम है ना, इसलिए 2-4 है वो कम ब्यांत की, मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन लंबी ज्यादा वीडियो हो जाएगी फिर आप बोलोगे। अच्छा, तो इसलिए हम 1 दिखा देंगे कम। ओके जी, ले आइए भाई, बांधिए। इससे आगे अंत में फिर एक और भैंस ले आइए। इससे आगे अंत में दोस्तों 9वें नंबर पर ये एक और भैंस आप लोगों के सामने आ गई जी, सेल के लिए अवेलेबल है। और है अभी प्रेग्नेंट है गगन? बिल्कुल जी। कौन से ब्यांत में बेगी भाई? भाई साहब तीसरे ब्यांत में, तीसरे बार में। हाँ जी। समय कितना बड़ा है भाई अभी? समय भाई साहब हमारे को 10 दिन हो गए लेके आए, ऐसी की ऐसी, हम तो कहते आज ब्याह जाए तो बिक जाएगी। अच्छा, कोई ज्यादा समय तो नहीं निकाल लेगी? नहीं नहीं, अभी 10 दिन पेंडिंग है, रात ही बात की थी। 10 दिन पेंडिंग है। और दूध कितने का वाली है भाई? दूध भाई साहब 14-15 लीटर नॉर्मल दे देगी बस। 14-15? हाँ जी। अभी तो ब्यांत है, लवान में थोड़ा सा खिंचाव ज्यादा पड़ा है। हाँ जी, भरेगी बढ़िया, ऑर्डर बना जाएगी। और दाम कितने वाली है भाई? भाई साहब मोल इसका 75,000 रुपए।
75,000 सही है जी, देनी कितने की है? बस फुल एंड फाइनल है, मान सम्मान कर देंगे मौके पर, मान सम्मान की जो बात रह जाए। भाई साहब हाँ जी और देखने वाला आदमी ये सोचता है कि भैया इस बार थोड़ा सा ब्यांत कमी की वजह से, हाँ जी, अब ऐसी ऐसी भैंस हमने 60,000 में सेल की है, सही है जी, अभी ब्यांत कम होने की वजह से हमारे को मांगते हुए शर्म आती है, सही है। लेकिन हम भी क्या करें, मजबूर है, बात है कि अगर आगे से अवेलेबिलिटी कम होगी, गांव में घूमते पशु जैसे क्या है कि एक पशु के अगर कोई खरीदार ही नहीं है बिल्कुल, तो उसका दाम नीचे आ जाएगा, हाँ। अगर भैंस एक है, खरीदने वाले 5 आदमी है, तो दाम में बढ़ावा होगा ही होगा, है ना जी? बिल्कुल सही है जी। बाकी दोस्तों आप लोगों को ना ओवरव्यू भी मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ जी। घर भरा रहता है हमेशा की हमेशा ऐसे ही, चाहे तो वो सेल के लिए अवेलेबल हो, चाहे कुछ ना कुछ जो पशु हर बार आप लोगों को जैसे सेल होकर यहाँ से बाहर वाली स्टेटों के लिए जाते हैं वो दिखाते रहते हैं। हरियाणा की ब्रीड खरीदनी है, हरियाणा वाली टॉप मोरा ब्रीड आप लोगों को मिलेगी। अगर पंजाब वाली या राजस्थान वाली भैंस आप लोगों ने खरीदनी है ना जी, वो भी आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। प्रेमी डेयरी फार्म गांव नया राजपुरा, राजपुरा माजरा, तहसील मंडी डबवाली और डिस्ट्रिक्ट सिरसा। आगे की चंद बातें कर लेते हैं गगन जी के साथ। तो गगन जी ये होगी फिर आज वाली भैंसों की डिटेल। बिल्कुल, गाय आज नहीं दिख रही फार्म पर। भाई साहब आज ही सेल की है, 2-3 थी। अच्छा जी, हाँ जी, कहाँ? लोकल में? हाँ लोकल में। चलो बढ़िया बात है। गायों का दाम कैसा चल रहा है जी? 15 लीटर का लगभग 40-45 से शुरू हुई, 40-45 से गायों का दाम। गर्मी में क्योंकि आगे लॉन्ग हो जाता नहीं है ना, ट्रांसपोर्ट की वजह से गर्मी में ज्यादा, अब गर्मी बढ़ जाएगी, हाँ जी, तो गाय का थोड़ा सा मंदा हो जाएगा अभी आगे। अच्छा आगे मंदा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। आज के दिन में तो अभी तो गर्मी भी नहीं है, नहीं अभी आज तो बरसात होकर। सही है जी, आज थोड़ी बरसात थी। हाँ जी हाँ जी, चलो बढ़िया बात है। बाकी कस्टमर सभी जगह से आते जाते। बिल्कुल बिल्कुल जी, बाकी चलती बात आपकी रोकता हूँ। होली की सभी मेरे प्यारे भाइयों को देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। ओके जी गगन जी, अंत में फिर एक बार एड्रेस और कॉन्टैक्ट रिपीट कर दीजिए भाई। एड्रेस विलेज राजपुरा मायरा, प्रेमी डेयरी फार्म, नियर मंडी डबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा प्रॉपर, राजस्थान और पंजाब का बिल्कुल बॉर्डर है। सही है। फोन नंबर जी? 9466028782। ओके जी, धन्यवाद भाई, अच्छा लगा बातचीत करके।